गुड मॉर्निंग क्लास UKG। इससे पहले बेटा हम लोग रीडिंग किए थे या आपको हमने रीडिंग करने बताया था आ इ ई उ उ। अब आज हम लोग रीडिंग करेंगे ए टू अह तक। आ पढ़े हैं तो इसके पहले आप लोगों ने बड़ी ई जिसको बोलते हैं आप लोग, हम लोग दीर्घ ई बोलते हैं, वहाँ तक रीडिंग किया था। उस दिन मैंने चर्चा की थी कि अ अ से अ को बोलने में जितना समय लगता है उससे जस्ट डबल आ, तो अ को छोटा अ नहीं कहते, बस अ ही कहते हैं। लेकिन इसके आगे हम जो बढ़ते हैं ई ई ई को बोलते हैं कि छोटी ई, और दीर्घ को बोलते हैं बड़ी ई। तो ये समझिए कि जिनको जिनके बोलने में कम समय लग रहा है उन्हें हम छोटा कह रहे हैं, हम लोग ह्रस्व कहते हैं उनको, और दीर्घ लेटर्स जो हैं उनको बोलने में ह्रस्व का जस्ट डबल समय लगता है। अब आप ये समझिए ए आए ओ आओ ये सभी दीर्घ हैं, यानी इनको बोलने में हम जल्दी से नहीं बोलेंगे, थोड़ा स्पेस देंगे। लुक एट द बोर्ड प ह पे ए की मात्रा है, ल पे बड़ी ई की मात्रा ली पहेली। ओके स ह पे ए की मात्रा है, ल पे बड़ी ई की मात्रा ली सहेली। ल पे कौन सी मात्रा है बता चुका हूँ, छोटा ऊ, जल्दी से बोलेंगे ल पे छोटा ऊ की मात्रा लु, ट पे ए की मात्रा टे, र पे आ की मात्रा रा, लुटेरा लुटेरा। ए की मात्रा में देखिए म पे ए की मात्रा मैं, द पे आ की मात्रा दा, न मैदान। क्या पढ़ेंगे मैदान। अगर एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं तो ऐसे पढ़िए मैं दा न मैदान। ह पे आए की मात्रा है, व पे आ की मात्रा वा, न है वा न हैवान। मुंह पूरा खोल खोल के बोलिएगा हैवान, अब बोलिएगा तो नहीं क्लियर होगा, और फिर रॉन्ग राइटिंग भी करिएगा। और एक बात ध्यान रखिए UKG में बहुत इस पर स्ट्रेस दिया गया है, बहुत आपको गौर कराया गया है, अगर इस लाइन को मैं ऊपर तक बढ़ाता हूँ तो मात्राएं जो भी लेटर्स के सिर पर ऊपर लगाई जाती हैं इसके लेफ्ट में ही होनी चाहिए। अगर राइट मात्रा गई तो अगर ये गलत नहीं है तो सही भी नहीं है। अरे आदमी का मुंह सीधा उम्मीद करते हैं कि मुंह बना दिया, मुंह यहाँ कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो उस पर नंबर भाई कटते हैं। क्लास में बताते थे कि इधर मत जाना लोग, दूसरा मोहल्ला है, याद है ना? तो बच्चे कहते थे कि इधर जाओगे तो काट डालेंगे सब, दूसरे का मोहल्ला है। बड़ा खुश होकर कहते थे मैदान। ओके नेक्स्ट हुयर हैवान। आगे बढ़िए
क पे आए की मात्रा कए, ल पे आ की मात्रा ला, श श सरगम श है, कए ला श कैलाश। अब आइए ओ की मात्रा देखिए, ये सब दीर्घ हैं, ए आए ओ आओ, इनको बोलने में अधिक समय आपको देना है, जैसे बड़ी ई और बड़ा ऊ में बोले हैं। ख र ग पे ओ की मात्रा गो, अगर आप जल्दी से गो बोल देंगे तो रंग है भाई। अब मैं पूछूं कि क्या नाम है, आप कहेंगे गोपाल, तो मैं सीधे फेल कर दूंगा। गो जो है ओ की मात्रा दीर्घ है, गोपाल, गोपाल कहेंगे तो एकदम चौपटानंद। ग पे ओ की मात्रा गो, श ख र गो श, खरगोश खरगोश। नेक्स्ट, बड़ा चुन के लिखा हूँ, हाँ मुंह में पानी आ सकता है। स म पे ओ की मात्रा मो, स पे आ की मात्रा सा, समोसा। क्या है भाई, फिर एक बार परेशान कर दूँ, समोसा समोसा, गरम गरम। नेक्स्ट, जान लीजिए, वह ना बकरी का पेट हमेशा यूं ही आप काटेंगे फाड़ेंगे, अगर आपने यूं कर दिया यूं रांग, आपने यूं कर दिया रांग, लेफ्ट से राइट ही आप काटेंगे, कहीं भी देख लीजिएगा। और अंधरा बहरा की तरह से लिखते हैं तो वैसे ही फिर नंबर भी पाते हैं, आपको यही बताया गया है शुरू से, तो ध्यान दीजिएगा। ब पे ओ की मात्रा बो, त ल बो तल, बो त ल बो तल। नेक्स्ट, औ की मात्रा में आइए, मुंह पूरा पूरा खोल के बोलिएगा ताकि मुंह में हाथी घुस जाए। हाँ, चौपे आओ की मात्रा चाओ, कपे बड़ी ई की मात्रा की, द पे आ की मात्रा दा, र चाओ की दा र। क्लियर, मुंह नहीं खोलिएगा तो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सही नहीं होगा। चाओ की दार, चाओ की दार, चाओ की दार। न पे आओ की मात्रा नाओ, ज व पे आ की मात्रा वा, न नाओ ज वा न, नौ जवान नौ जवान। जैसे हम लोग हैं, आप लोग तो बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट, हम हैं पांडे सर हैं। चौपे आओ की मात्रा चाओ, प पड़ा चाओ, प पड़ा चाओ पढ़, चाओ पढ़। महाभारत में आया है वही चौपड़, ब्लैक बोर्ड पे आ गया। नेक्स्ट, अंग की मात्रा, भाई हमने कह दिया था कि अ से अह स्वर हैं, लेकिन ये समझिए कि ये थोड़ा सा अलग जाता है, फिर भी अभी आप यही जानिए। अब ये पॉइंट जो हम देते हैं अंक की मात्रा,
इसका उच्चारण तीन तरह से होता है, कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ क्या उच्चारण करेंगे, यह आपके ज्ञान पर निर्भर करेगा जितना आपका नॉलेज है। कहाँ इसको न बोलना है, कहाँ इसको न बोलना है, कहाँ इसको म बोलना है। तो म वाला संभवतः आपकी बुक में नहीं दिया है, न और न दिया है। देखिए, जपे अंग की मात्रा जंग, अंग की मात्रा है, जपे अंग की मात्रा जंग ग ल जंगल जंगल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी अंग की मात्रा है, इसका उच्चारण इससे डिफर रहेगा, दूसरा रहेगा। म पे अंग की मात्रा मन, न की ध्वनि आ रही है, मन ज न मंजन मंजन। यहाँ क्या पढ़े, जंगल, यहाँ पढ़ रहे हैं मंजन, दांतों पे मंजन करते हैं। नेक्स्ट ब सपे अंग की मात्रा सन, त बसंत बसंत। ओके, तो ng और न इसका ध्यान देना है रीडिंग करने में। अब आइए अह की मात्रा, इसमें बस अह ही है तीनों में। प र पे छोटी ई की मात्रा रि, त पे अह की मात्रा तह। प रि तह परितः परितः, नया शब्द है, परित मीन्स होता है चारों ओर। म पे बड़ा ऊ की मात्रा मू, ल त पे अह की मात्रा तह। मू ल तह मूलतः मूलतः। नेक्स्ट फ ल त पे अह की मात्रा तह, फ ल तह फलतः। अब ध्यान दीजिएगा मात्राओं का, अगर इस लाइन को ऊपर हम बढ़ाते हैं बेटा, मात्रा इसके लेफ्ट में है, अगर राइट गई तो मामला गड़बड़, बस बाकी बाद में।